गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए नए रीडिंग्स लेकर आता हूँ, नए नए स्पेल्स, नए नए स्विच वर्ड्स लेकर आता हूँ मैं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में डाला हुआ है, उनके अभी करंट थॉट्स क्या हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या विचार हैं उनके मन में, आपके पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, या किसी थर्ड पार्टी में अभी भी फंसे हुए हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में फंसे हुए हैं, या अपनी फैमिली की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्या सब ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, फैमिली है, थर्ड पार्टी है, उनके फ्रेंड सर्कल है, कौन है ऐसे वो लोग जिन्होंने आपके और उनके बीच में इतनी दूरियां क्रिएट कर दी हैं। और दूरियां क्रिएट करी तो करी है, लेकिन उनके मन में आपके लिए क्या थॉट्स है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इतना पुराना रिलेशनशिप, इतना लंबे टाइम चलता आ रहा था रिलेशनशिप आपका, तो ऐसा क्या किसी का इन्फ्लुएंस ऐसा क्या होगा कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के पीछे भाग रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के अभी करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके मन में आज भी आप चलते हो, क्या आज भी आपकी मेमोरीज को याद करते हैं। तो आज ये सब जानेंगे इस कैंडलवेस रीडिंग के थ्रू, क्योंकि मेरे पास काफी दिनों से काफी डिमांड आ रही है, सर आप कैंडलवेस रीडिंग कीजिए, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें रेजोनेट कर जाती हैं। तो आज के लिए मैंने कैंडलवेस रीडिंग लेकर आया हूँ आपके लिए। तो रीडिंग शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। यदि आपको रीडिंग में कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट यदि रह जाता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप करके आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉकेट अफोर्डेबल है, कोई भी सही अफोर्ड कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग, यदि आप हमसे कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं आपके लव लाइफ के लिए, आपके यदि ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, नेगेटिविटी डाल रखी है, उस चीज के लिए है आपके पास। यदि मान लीजिए कई लेडीज होती हैं, कंसीविंग प्रॉब्लम आती है, उसके लिए ब्यूटी एंड वेट लूज के लिए है हमारे पास। ये आपके हेल्थ के लिए हो गया, आपके एंजाइटी स्ट्रेस के लिए हो गया, गैम्बलिंग के लिए, आपको स्टॉक मार्केट में काम करते हो उस चीज के लिए है, नेगेटिविटी के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, हर तरीके की क्रिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा है, यदि आप कस्टमाइज कराना चाहते हैं उसे, वो भी हम कस्टमाइज करके आप तक पहुंचा देंगे आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से उसे हील करके। तो ये आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सअप कीजिए, नंबर है मेरा 9540046626। चलिए जब तक मैं कैंडल लाइट करता हूं तब तक अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जो भी आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो सब अपने मन में लेकर आइए, विजुलाइज कीजिए कि आपके पार्टनर इस समय आपके साथ बैठे हैं और आप उनके साथ जो भी आप बातें कर रहे हो, जो भी आप ये मन में क्वेश्चन सब आप उनसे पूछ रहे हो, वो आपको आंसर दे रहे हैं। पॉजिटिव सेंस में अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बताइए कि वो इस समय इस मोमेंट पे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, अच्छा मुझे यहाँ पे सबसे पहले जानते फीलिंग क्या आई है कि लाइक जो मैं यहाँ पे जो इसकी ड्रॉप्स गिर रही हैं, वैक्स की ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो ये चीज तो कन्फर्म है आपका जब रिलेशनशिप ब्रेकआउट हुआ है ना, तो एक दूसरे के मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। खासतौर से बात करूं आपके पार्टनर के, आपके पार्टनर के मन में ना एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, जो कि या तो किसी ने इन्फ्लुएंस करा है आपके खिलाफ, आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली हैं उसने जो कि चीज थी ही नहीं, किसी और के कहने पर या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप लिया था, आपसे नो कनेक्ट जोन में लेकर आए थे आपको, और काफी टाइम से आपसे दोनों की बात भी नहीं हो रही है। यदि मैं आपकी आपकी एनर्जीज की बात करूं तो आपके अंदर आज भी इस इंसान के लिए उतना ही प्यार है, लेकिन आपके मन में एक सबसे बड़ा गिला शिकवा इस चीज का है कि इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दी कि किस क्यों उसने ऐसा किया, क्यों एकदम से गायब हो गया, क्यों इसने आपको नो कनेक्ट जोन में डाल दिया, जबकि आपके प्यार में तो कहीं कमी थी ही नहीं। आपने इस इंसान को हमेशा से प्यार देना चाहा, आपने इस इंसान को हमेशा से या इसके लिए स्टैंड लिया है, हमेशा से सुख दुख में इसके आप साथ साथ खड़े रहे हो, तब भी इस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी कहीं ना कहीं। जबकि स्टार्टिंग की बात करूं, अगर मैं रिलेशनशिप की स्टार्टिंग की बात करूं, इस इंसान ने आपको बहुत प्यार दिया, लिटरली बता रहा हूं, बहुत प्यार दिया इस इंसान ने आपको, और जब आपको इस इंसान पे पूरा ट्रस्ट हो गया तो आपने इसके ऊपर ना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। कहते ना बिल्कुल, अगर सामने वाले इंसान को प्यार की जरूरत नहीं भी है ना, तो आपने हर वो चीज प्यार से करी है इसके साथ, जो कि कई बार आपको इस इंसान को किसी इसके अपने पार्टनर की बातों पर कहीं में गुस्सा भी आता, आप गुस्से को पी जाते थे कि चलो कोई बात नहीं,
पार्टनर है, एक साथ रहना है, निभा के रहना है, कॉम्प्रोमाइज करके रहना है, तो आपके मन में हमेशा से इस इंसान के लिए ये थॉट रहा है कि मुझे अब इस इंसान को छोड़ना नहीं है, मेरे लिए भी सब कुछ है। और आपके मन में जो चीजें थी ना, आप हमेशा उसको एक्सप्रेस भी करते थे उसके सामने कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम मेरे लिए सब कुछ बन चुके हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको उस मोमेंट के बाद से, जब से आप इसको अपनी सब चीजें एक्सप्रेस करते थे ना, उसके बाद से थोड़ा सा अपने इसने बिहेवियर में चेंज करना शुरू कर दिया, आपको एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, आपके साथ जिस तरह पहले आपके साथ ये रहता था ना, आपके लिए इवन आपसे टाइम मांगता था, आपसे मिलने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपसे बोलता था आप तो मुझे प्यार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उस इंसान ने वो सब चीजें बिल्कुल उल्टी कर दी। अब उल्टी किस सेंस में कि अब क्या हो रहा है कि आप उससे प्यार मांग रहे हो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आपकी अवेलेबिलिटी का पता लग गया कि अब ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, अब मैं अपना रूप दिखा सकता हूं इसे। और इस इंसान ने अपना रूप दिखाया। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहे हैं नंबर्स की। नंबर आपके पार्टनर का नंबर 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 28 हो सकता है, 14 हो सकता है। ठीक है, ये आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका सम हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे लगता है आपके आपका डेट ऑफ बर्थ या तो 2, आपका 3, 22 और 7, 9, ये आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सम हो सकता है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपके मन में इस इंसान के लिए ना एक प्यार इतना भरा हुआ है ना, जिसे कहते हैं ना कोई उसकी कोई हद नहीं है। ये इंसान आपको इतना डोमिनेट करता है, कई बार इस इंसान ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया दिया, किसी एक मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके ऊपर इस इंसान ने हाथ भी उठाया है, लेकिन आपने वो चीज भी सह ली कि कोई बात नहीं, ठीक है, गुस्सा आता है इंसान को, कोई कभी कभार चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन आपने उस चीज को इस तरीके से समझ के आपने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन इस इंसान की डे बाय डे चीजें हरकतें बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करना, आपको दबाना, आपको परेशान करना, ये चीजें उसकी बहुत बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बढ़ना, आपको बिल्कुल इग्नोर करना। वो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ होते हुए आपको चीट कर रहा था किसी थर्ड पार्टी के साथ अटैच होकर, और थर्ड पार्टी से जो अटैच हो रहा था ना, वहां पे उसका अटैचमेंट इतना बढ़ता जा रहा था कि वो आपके ऊपर उसने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। यदि आप किसी एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो आपके हस्बैंड ने आपको स्टार्टिंग में बहुत प्यार दिया, अपने परिवार की तरफ उनका बहुत ध्यान था, आपकी तरफ बहुत ध्यान था, आपके हर एक छोटी छोटी चीजों को आपको वे नोटिस किया करते थे, आप कब क्या पहन रहे हो, आपके ईयररिंग्स क्या है, कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, हर चीज को नोटिस करते थे। लेकिन आज की डेट में बताऊं तो आपके पार्टनर आपकी शक्ल भी नहीं देख रहे हैं, आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपके हस्बैंड आपसे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, आपसे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा ध्यान उनका अपने काम पे, नहीं तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी तरफ उनका ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता जा रहा है, जिसके कारण आपके अंदर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, आप पूरे पूरे दिन बैठ के उनके बारे में सोचते रहते हो, अपनी पुरानी चीजों को सोचते रो पड़ते हो, आपके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, अपने बच्चों को देखते हो तो आपको रोना आता है, किस इंसान को अचानक से हो क्या गया। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कि हाँ मेरे पास स्टार्टिंग ही कुछ ड्रॉप्स ऐसी गिरी थी वैक्स की कि इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था आपके बारे में, ठीक है। और अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है ना, जो आपका अभी करंट फेज चल रहा है कि आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन है, आप यदि मैरिड रिलेशनशिप है तो काफी टाइम से आपके हस्बैंड आपसे तरीके में बात नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, ड्रिंक कर कर आते हैं रात को, उसके बाद आने के बाद आपसे उल्टी सीधी बातें करना, मारना, ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का चलता दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन मुझे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना ये रियलाइजेशन भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जस्ट ए मोमेंट बच गई, बंद नहीं हुई, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी दिखाई दे रहा है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का रियलाइज बहुत जल्दी होगा कि वो जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं, उनको जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो किसी ऐसे इंसान पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि उनकी लाइफ में एक जैसे कहते हैं ना काल बन के आना, वो चीज आ रही है। आप समझो, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, यदि कोई इंसान मैरिड होने के बाद यदि किसी थर्ड पार्टी के साथ अटैच होता है, उसके साथ फिजिकल होता है, या उसके साथ हर मोमेंट स्पेंड करना, या इमोशनली अटैच होना, मेरे फिजिकली अटैच यदि होता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने ही घर की लक्ष्मी को घर से बाहर भेज रहे हो। यदि कोई भी इंसान यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो अपने अपनी पत्नी को ने या अपने हस्बैंड को वहीं धोखा देकर किसी और साथ अटैच हो रहा है, हो रही है, तो आप मान के चलो
आज नहीं तो कल आपके घर में बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। अभी नहीं दिखाई दे रहे होंगे लेकिन आने वाले टाइम में वो चीजें आपके सामने आएंगी और वो कर्मा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है। और यदि मैं करंट सिचुएशन की आपके पार्टनर की बात करें, कि आप लेन में भी हैं, यदि आप मैरिड रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस चीजों का रियलाइजेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे अब उसको वापस लेकर आना है। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी चीजें दिखाई दे रही शुरू हो गई है कि वो किसी एक गलत ट्रैक पर हैं। उनको अपना परिवार देखना है, उनको आपको देखना है, उनके जो आपने एक दूसरे से कमिटमेंट्स कर रखे हैं कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट्स को पूरा करना है। जो आप देखो नेगेटिविटी बहुत है उस इंसान के अंदर, बहुत नेगेटिविटी है उस इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं आपके पास बार बार आने की सोचते हैं लेकिन बार बार आप आते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं आपको ऑन ऑफ कंडीशन दे रहे हैं इंसान बार बार, ये परमानेंटली आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं बार बार कैंडल बुझते बुझते वापिस चालू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी फिर उसके ऊपर हावी हो जाती है, या कुछ थर्ड पर्सन की लाइफ में तो वो उसके ऊपर फिर से हावी हो जाता है, या कोई स्पेल करता है, कुछ भी ऐसा करता है जिसके कारण फिर से वो आपसे गायब हो जाता है। और ये पैटर्न अभी नहीं, पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में कि इंसान बार बार आपकी लाइफ में जब जब आप उसे दूर जाने की कोशिश करते हो आपको वापस रिटेन कर लेता है, उसके बाद फिर से आपके पास कुछ टाइम आपसे रहेगा फिर वापस से वैसे ही हो जाएगा। ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, लेकिन इस इंसान के मन में रियलाइजेशन है कि वो गलत कर रहा है और ये चीज बहुत जल्द उसके दिमाग में आने वाली है, वो चीज सब चीज सुधारेगा भी खुद। अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा इससे स्पेस ले लिया है तो मैं कह रहा हूं स्पेस लेके रखिए। हर हाल में इंसान आपके इस स्पेस से ही कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खटकेगा कि ये मुझसे दूर जा रही है या इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। मैं कि आपको यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगा मैं। यदि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, यदि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट जोन में डाला हुआ है और आप बार बार अपने पार्टनर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपको हर बार इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटी सी गाइडेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये अप्लाई करते हो ना अपने ऊपर, मैं कह रहा हूँ गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने पार्टनर को चेज करना बंद करना होगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि आपने एक टाइम में उसको बहुत प्यार दिया, जितना उसने मांगा नहीं था आपने उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार दिया। आपने उसको एक रोटी की भूख था, उसके सामने आपने 56 भूख खड़े कर दिए कि बस उसकी खुशी के लिए, आपने इतनी सेक्रीफाइस करे इस इंसान की खुशी के लिए, आपने अपने कहीं ना कहीं खुशियों को मार के आपने इसकी खुशी पे ध्यान दिया है, तो अब मोमेंट ये है कि अपने लिए स्टैंड लेना। कहीं ना कहीं आपने सबने अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं धज्जी उड़ा रखी थी, अब मोमेंट है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखने का। यदि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो इंसान, मैं कहूँ जो इंसान अपनी इज्जत नहीं कर पाएगा तो अपनी इज्जत दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। तो आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना होगा कि हाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, जो आप हमेशा उसके लिए स्टैंड लेते आ रहे थे अभी तक, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है कि आपको भी खुशियां चाहिए, आप भी खुश होना चाहते हो। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, इस इंसान ने आपको इतने टाइम से रिलेशनशिप में आपके चेहरे पे खुशी को ना आपके आंखों में आंसू ज्यादा दिए हैं, तो अब वो मोमेंट आ गया है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। मैं इसी की गारंटी देता हूं आपको कि अगले आने वाले 10 दिनों में ये इंसान आपको सामने इतने डिजास्टरिक चेंज में दिखाई देगा, क्योंकि इंसान आप रोज इसे मैसेज कर रहे हो, रोज इसे कॉल करते हो, भले इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन पहुंचता जरूर है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान वापस आपके पास आने की सोच भी रहा है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बस अपने आपको एक कंट्रोल नेचर में लेकर आना है, अपने ऊपर अपने इमोशंस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। ये इंसान हर हाल में वापस आएगा क्योंकि इंसान आपके बिना नहीं रह सकता किसी भी हाल में। इसके मन में बहुत सारी चीजें हैं आपको लेकर, बहुत सारे गिले शिकवे हैं, और कहने का सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसको कहने के रियलाइज है, रियलाइजेशन भी है कि हाँ गलती इसने ही करी है, और ये बहुत जल्द उस चीज के लिए स्टैंड लेने वाले हैं, कहीं ना कहीं वापस आपके पास आने वाले हैं, आपको मनाएंगे, आपके सामने रिग्रेट भी फील करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये इंसान दोबारा वापस आएगा ना, आपके मन में है कि दोबारा वापस आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार यदि वापस आपके पास आता है तो आपको कमिटमेंट देगा, आपके सामने रिग्रेट फील करेगा और वापस ना जाने की कसम भी खा सकता है। यदि आप एक लिव इन रिलेशनशिप में है तो बहुत बड़ा कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं, हो सकता है मैरिज या एंगेजमेंट के लिए आपको प्रपोज करें, डायरेक्ट आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं, जो आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट करते आ रहे थे ना अपने लाइफ में कि है ईश्वर मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर मेरे को कमिटमेंट दे, मेरे साथ शादी करे, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आज मैं लास्ट में एक छोटा सा रिचुअल करूंगा मैं हर एक के लिए, ये एक जनरल रिचुअल रहेगा। ठीक है, जो भी इंसान एक नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ठीक है, मैं उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखूंगा,
ठीक है ना, सिर्फ एक छोटा सा रिचुअल करूंगा, जो भी इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बस आपको करना क्या है मैं पहले यहां रख देता हूँ, जो भी पर्सन इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, वो कॉन्टैक्ट जोन में आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है, मैं उसके ऊपर कुछ स्विच वर्ड, कुछ एंजल नंबर लिखूंगा, ठीक है, और उस समय जिससे मैं लिख रहा हूँ ना, उस समय आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है बस, ठीक है। और मैं पूरी एक बेली रिचुअल है वो करूंगा, सभी के लिए एक जनरल रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और उस समय मन में एक मैनिफेस्टेशन लेके आने की, अफर्मेशन लेके आने की, हाँ आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन हो गया, आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, जस्ट ए मोमेंट। ये बेली है, इसका एक छोटा रिचुअल करूंगा, हर एक के लिए रहेगा, कॉमन रिचुअल रहेगा। बस जिस समय मैं लिख रहा हूँ उस समय आपको बस अपने पार्टनर का नाम सोचना है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है जितना हो सके, एक पॉजिटिव सेंस में कि वापस वो आपके पास आ जाए जिस तरीके से आप चाहते हैं, ठीक है। मैं इस पर कुछ स्विच वर्ड एंजल नंबर लिख देता हूँ, मैं ओके सो रिचुअल है इस समय, मैं ये बर्न करने वाला हूँ, ठीक है। आपको बस अपने पार्टनर को मन में विजुलाइज करना है, अपने पार्टनर को मन में लेकर आना है, जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है अपने पार्टनर के लिए, जो भी आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर फटाफट वापस आपके पास आ जाए, तो इस समय आप वही सब कुछ विजुलाइज कीजिए, जो ही सब कुछ मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। देखना बहुत जल्द आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं आपको कॉल आएगा, आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं वापस आने की कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी है आपके पार्टनर के मन में हर हाल में, ये कंफर्म है। मैनिफेस्ट कीजिए आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, गुड। मन में एक अफर्मेशन लेके आइए कि इस रिचुअल के थ्रू आपके पार्टनर आपके साथ बहुत जल्द आते हैं वापस, आपके साथ कमिटमेंट दें, आपको हर चीज पॉसिबल हो पाएगी। बस एक कॉमन रिचुअल है, जिस टाइम मैं बर्न कर रहा हूँ उस समय आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना था, ठीक है। जो वीडियो, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब मैं बर्न करूँ उस समय अपने पार्टनर को आप विजुलाइज कीजिए, हर हाल में देखना आपका रियल हर हाल में होगा ही होगा, ठीक है। आई होप आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें एक रिचुअल भी हुआ है जो कि आपके पार्टनर को वापस लाने के लिए हुआ है, तो इसमें फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।